मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आगामी 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। तो आइए हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव हम क्यों मनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक में भगवान कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता से प्रकृति जो है वो काम करती है, जो कि वो भी मेरी एक शक्ति है। तो जिनकी अध्यक्षता से ये प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम अगर फल खाने जाएंगे तो कई प्रकार के फल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फल प्रकृति हमें दे रही है। हम दाल खाने जाएंगे तो कई प्रकार के दाल, कई प्रकार के चावल, तो क्योंकि प्रकृति जानती है, किसी को संतरा पसंद है तो किसी को सेब, किसी को अंगूर पसंद है तो किसी को अनार। तो इसी प्रकार हर किसी की आवश्यकता के अनुसार प्रकृति उसको उसका जो आवश्यकता वो पूरा करती है। तो जिनकी अध्यक्षता से ये प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, और वो व्यक्ति जब अपने गोलोक धाम को छोड़कर, जो गोलोक धाम को ब्रह्मा जी बताते हैं कि लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्मसेव्यमानम, जहाँ पे सहस्र सहस्र लक्ष्मियाँ भगवान जी की सेवा करते हैं, उस धाम को छोड़कर भगवान हमारे इस भूलोक में हमारे बीच में जन्म होते हैं, हमारे बीच में प्रकट होते हैं और हमारे इस भूलोक का एक सदस्य बन जाते हैं। तो क्या हम उस दिन को बड़े भव्य रूप से नहीं मनाएंगे? जिस प्रकार हम अपने परिवार में भी कोई भी एक नया सदस्य आता है तो हम कहते हैं कि ये हम इस परिवार में इसी दिन सदस्य बना था, तो जिस प्रकार उसका हम जन्मदिन पालन करते हैं, तो उसी प्रकार भगवान जो है इस संसार में, इस भूलोक में जिस दिन प्रकट हुए, तो उस दिन को भी हमें बड़े भव्य रूप से मनाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाते हैं। बाकी की जानकारी इस वीडियो के साथ ही दी गई है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, या आपको जो है आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।